चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी भारत के महानतम बल्लेबाज भाई गौतम गंभीर जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्रिकेट की पिच से पॉलिटिक्स की पिच आपको कितनी अलग लग रही है? देखिए, अलग तो है, ज़्यादा चैलेंजिंग भी है लेकिन ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, क्योंकि क्रिकेट में आप सिर्फ एक छोटे से समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते थे और आप सिर्फ शायद देश के लोगों में खुशी लेके आ सकते थे, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप लोगों के बीच में उतर के लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मुझे ये लगता था कि या तो मैं उनमें से बन जाऊँ जो सिर्फ ट्विटर पर बड़ा एक्टिव हो या फिर ट्विटर पे एक सेंसेशन बन जाए, वो मेरा कभी भी कोई शौक नहीं था। आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका दिया कि जो मैं ट्वीट्स करता था, जो भी मेरे थॉट्स हैं, उनको मैं ज़मीन पे उतर के लोगों के बीच में उतर के इम्प्लीमेंट कर सकूं। आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या रहा, स्पेशली आपकी वाइफ का, जब आपने बोला कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं और आप तो चुनाव भी लड़ रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली सबकी सहमति के बिना तो इस फील्ड में तो आप जा नहीं सकते, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है और सबका अभी तक तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और उनकी वजह से शायद ये पॉसिबल है। आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे मैंने, उसमें आपने कहा कि बीजेपी एक विजन लेके चल रही है और हम नफरत और आरोपों की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा या योगी आदित्यनाथ, इन लोगों पे, इन लोगों के भाषणों को ही लेकर के चुनाव आयोग ने बैन लगाया है 72 घंटे 48 घंटे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दी है, उस लीडरशिप की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो पुलवामा के बाद हो, चाहे वो उरी के बाद हो। आपने पुलवामा का जिक्र किया, क्या मोदी की सेना कहना ज़्यादा सही रहेगा या भारतीय सेना, आप इस पर? देखिए, मेरा टेक ये है कि सेना पूरे देश की है और वो पूरे देश की रहनी भी चाहिए, तो मेरा ये ओपिनियन है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो कार्यकर्ता सालों से काम करते रहते हैं, उन्हें सेलिब्रिटीज़ आते हैं, आज पार्टी ज्वाइन की और कल उन्हें चुनाव का टिकट दे दिया जाता है, ये उन कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होती है? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी ही ऐसे डिसीजंस लेती है, पार्टी डिसाइड करती है कि कौन उनको लगता है कि ठीक उम्मीदवार है और कौन अपना विजन लेके आ सकता है, तो ये पार्टी का डिसीजन और ये पार्टी ही आंसर आपको बेहतर दे सकती है। नेशनलिज्म आपके लिए क्या है? नेशनलिज्म मींस कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये देश एक है और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी दिल्ली में रहने वाले युवाओं को या मुंबई में रहने वाले युवाओं को मिलती है, वही अपॉर्चुनिटी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में रहने वाले युवाओं को भी मिलनी चाहिए। आपके अपोनेंट आतिशी मरलेना पॉलिटिशियन है और वो आपको ओपन डिबेट के लिए भी बोल चुकी हैं कि आप आएँ बात करें, क्या रोक रहा है आपको ओपन डिबेट से और आप उन्हें कैसे, मतलब इस चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं? पहली बात तो ये कि मेरे को ओपन डिबेट से कोई भी नहीं रोक रहा और कल ही मैंने अपनी रैली में एक स्पीच में बोला कि अगर डिबेट करनी है तो मैं सिर्फ 4.5 दिन पुराना हूँ इस राजनीति में और हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं वो 4.5 साल पुराने हैं। मुझे 2 साल दीजिए, आधा समय दीजिए और वो डिबेट मैं उनके साथ करूँगा और वक्त भी उनका होगा, जगह भी उनकी होगी। जो ये बात करें कि मैं डिबेट से डर गया, डरा तो मैं पाकिस्तान से भी नहीं, तो इनकी डिबेट से क्या डरूंगा। अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं दिल्ली के लिए और यही उनके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात और हर चुनावी रैली में चाहे भाषण में वो कह रहे हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी डेवलपमेंट और 4.5 साल पहले भी जो भी सरकारें रही हैं दिल्ली में, उन्होंने बहुत डेवलप किया दिल्ली को। उससे पहले ना दिल्लीवासी को इतना पूर्ण राज्य के बारे में पता था, ना इतना सुना गया था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से पूर्ण राज्य, बिकॉज अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता, कहीं भी छुपने को नहीं होता, तो फिर आप किसी ना किसी इशू के पीछे छुपते हैं। आपने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया तो अब आप पूर्ण राज्य का इशू लेके आ गए। अच्छा, जाते जाते एक वादा जो आप ईस्ट दिल्ली के लोगों से करें और हम आपसे 5 साल बाद या जो 2.5 साल का वक्त आपने मांगा है हम उसे पूरा होते देखें, एक वादा जो आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हम जो भी वादे करेंगे वो 2.5 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि हम 4.5 साल बाद किसी मुद्दे के पीछे छुप के अपने आप को बचाएं, हम बचाने वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम लोगों के बीच में जाके वो वादे पूरे करेंगे जो हमने इस इलेक्शन में करे हुए।